बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC कैंसर संस्थान, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं संपूर्ण कैंसर हॉस्पिटल, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। राजधर्म और अपना कर्तव्य निभाने के लिए भले ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हों, लेकिन मेरठ में स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं का भगवान ही मालिक कहा जाएगा। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें विभाग की लापरवाही और अफसरों का सरकारी रवैया साफ नजर आ रहा है। आज एक और मामला ऐसा ही हुआ जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन देर रात तक परिजनों को यह बताने वाला कोई नहीं था कि उनकी मौत सामान्य हुई है अथवा कोरोना से। 3 दिन पहले उनका टेस्ट भी हुआ था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इससे पहले डिफेंस एनक्लेव के एक युवक को 2 घंटे तक धूप में सरकारी मदद का इंतजार करने का खुलासा फर्स्ट बाइट ने किया था। कोरोना के लक्षण पाने पर यह युवक खुद सरकारी मदद के इंतजार में बाहर सड़क पर आ गया था। 112 पर 3 बार वे पुलिस और हेल्पलाइन को कई बार फोन किया, लेकिन कोई नहीं आया। दूसरा मामला, CMO दफ्तर में कोरोना संक्रमित PPE किट खुले आसमान तले करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक पड़े रहने का है। तीसरा मामला, कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला के नवजात को बिना कोरोना टेस्ट कराए परिजनों के सुपुर्द करना है। यदि बच्चे को भी कोरोना हुआ तो परिवार के सदस्य कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। अब यह ताजा मामला सामने आया है, राजन गर्ग ने लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के भीतर एक वीडियो बनाकर वायरल किया है। दरअसल राजन के मौसा की दाल मंडी मछेरान में किराना की दुकान है। वह परिवार समेत केसरगंज स्थित गंगाराम आहते में रहते हैं। आइए पहले वह वीडियो देखते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि मेरठ में सरकारी इंतजाम की क्या स्थिति है। मेरे रिश्ते में एक मेरे मौसा जी लगते हैं जो कि केसरगंज रहते हैं, दाल मंडी, उनकी दुकान वही मच्छरान के पास है, दाल मंडी गेट नंबर 2 पर। काफ़ी लगभग 6-7 दिनों से उन्हें कोरोना के सिम्टम्स का महसूस हो रहा था, जैसे खांसी, बुखार, और 3-4 दिन पहले उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उनको हमने उपचार के लिए भेजा KMC भेजा, फिर उसके बाद भेजा उन्हें प्यारेलाल हॉस्पिटल। उन्होंने उसे उन्हें दवाई देके वापस भेज दिया कि पहले दवाई खाओ, बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले CMO साहब मेरठ महानगर को फ़ोन मिलाया रात कि भाई साहब, हमारे पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है, वो काफ़ी सिम्टम्स उनको यही लग रहे हैं कोरोना वाले। लेकिन CMO साहब बोलते हैं कि आप मेरे को नंबर उनका व्हाट्सअप कर दो, मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने DM साहब को फ़ोन करा, DM साहब बोलते हैं इसमें कि DM साहब के यहाँ फ़ोन उठा और वो बोलते हैं कि देखते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं। रात को 11 बजे उस दिन, रात को 4 दिन पहले रात को 11 बजे उनके यहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है और उनको लेकर मेडिकल आ जाती है। मेडिकल आने के बाद उनको दवाई दे दी जाती है डॉक्टर के उसमें, लेकिन एडमिट नहीं कराया जाता और उन्हें कह दिया जाता है कि अपने घर जाओ। वो बेचारे रात को 1:30 बजे घर पहुंचते हैं पैदल, बड़ी मुश्किलों में। खैर, अगले दिन उनके घर पर एक डॉक्टरों की टीम आती है, वो उनका सैंपल लेती है, दोनों हस्बैंड वाइफ का। उम्र है उनकी 62 से 65 साल, दोनों हस्बैंड वाइफ की। खैर, सैंपल लेने के बाद सैंपल का कोई रिज़ल्ट नहीं आता, अभी तक उनका कोई रिज़ल्ट नहीं है कि उनको कोविड है या नहीं है। 3 दिन हो गए हैं सैंपल लिए हुए। उनकी स्थिति और भी गंभीर होती गई इस बीच में जब उनकी स्थिति और गंभीर हो गई तो कल वो फिर अपने व्हीकल से मेडिकल आ गए थे, जहाँ मेडिकल में आने के बाद उनको फिर एडमिट नहीं करा गया। उनसे बोला कि तुम दवाई खाओ, तुम्हें कल एडमिट करेंगे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें मेडिकल में लकवा मार जाता है, जिसे फालिश बोलते हैं। आनन फानन में ये डॉक्टर उन्हें एडमिट करते हैं भाई साहब, और उनकी वाइफ को घर भेज देते हैं कि
कि आप घर जाओ, इनका इलाज अब हम करेंगे और अभी हमारी देखरेख में रहेंगे। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हॉस्पिटल से फ़ोन आता है शाम को 5 बजे कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और अभी तक इन्होंने ये पुष्टि नहीं करी है कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं है। अभी तक इन्होंने पुष्टि नहीं करी है। 3 दिन हो गए रिपोर्ट को, 3 दिन हो गए जांच के सैंपल दिए हुए, अभी तक इन्होंने कोई भी पुष्टि नहीं करी है कि उनको कोरोना है या नहीं है। मतलब ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना हालत वाली बात हो गई, लेकिन यहाँ कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। मैं अभी जिला मेडिकल में ही खड़ा हूँ, ये देखिए कोई है नहीं। ये पीछे बिल्डिंग है कोविड की, यहाँ पे टोटल कोविड के पेशेंट हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी डेथ हो चुकी है, ये अब भी नहीं बता रहे उनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई है या नॉर्मल डेथ हुई है। विजय गर्ग के पुत्र मोहित गर्ग ने फर्स्ट बाइट को रात करीब 9:15 बजे बताया कि उनके पिता की मौत हो चुकी है। उन्हें शव अभी तक नहीं दिया गया है और न ही 3 दिन पहले हुए टेस्ट की रिपोर्ट ही उन्हें दी गई है। उन्हें अभी तक यह भी नहीं पता है कि उनके पिता की मौत कोरोना से हुई है अथवा अन्य किसी कारण से। मोहित का कहना है कि यदि उनके पिता की मौत कोरोना से हुई है तो शव को रात में कहां ले जाएंगे, इसलिए वे अब घर जा रहे हैं। मोहित की बात और राजन गर्ग द्वारा रखी गई बात यह बताने के लिए काफ़ी है कि मेडिकल कॉलेज की सरकारी व्यवस्था का सच क्या है। शाम 5 बजे उन्हें मौत की जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता। मोहित का यह भी कहना है कि पड़ोसी भी लक्षण पाते हुए अपना टेस्ट कराने आए हैं, लेकिन उन्हें भी टहलाया जा रहा है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।